नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका फिर से हमारे एक और नए धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों आपको पता है आपका ये भाई कभी भी YouTube पे कोई भी वीडियो लेके आता है तो उसमें किस तरह से आपके प्रॉफिट हो सके, आपको किस तरह से उसमें लाइफ चेंजिंग हो सके, उसी तरह की बातों को ध्यान में रखते हुए आपका यह भाई YouTube पे वीडियो लेके आता है। तो दोस्तों मेरा नाम है दीपक सक्सेना और आप देख रहे हैं बातें अनसुनी सी। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को जो रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा है उसे आप प्रेस कर लीजिए, बगल में जो घंटी के आइकन दिखाई दे रहा है उसे भी आप दबा के ऑल का नोटिफिकेशन कर लीजिए ताकि हम भविष्य में कोई भी वीडियो डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये टॉपिक है हमारा बर्ड फ्लू। दोस्तों आपको पता है जैसे कि कोरोना नाम जैसे कि बीमारी से आज हमारा पूरा विश्व जूझ चुका है। दोस्तों बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या के बाद भी आज हमारा पूरा विश्व इस समस्या से पूरी तरह से आज दिन तक नहीं उभर पाया है। क्या आप ऐसे में चाहते हो कि आपके दस्तक कोई और बीमारी देने लगे? दोस्तों मैं बात करने जा रहा हूँ बर्ड फ्लू नाम की बीमारी से। दोस्तों आज कोरोना जैसी बीमारी के बाद में बर्ड फ्लू नाम की बीमारी भारत में आ चुकी है। जैसे कि 2006, 2012, 2015 और 2020 में दोस्तों इस तरह की सॉरी 2019 में दोस्तों इस तरह की बीमारी आ चुकी है हमारे भारत जैसे देश में। सबसे पहले 1997 में इस तरह की बीमारी का आगमन हुआ था जो उत्तर कोरिया में दिखाई गया था, हांगकांग में भी दिखाई दिया था, जिससे इस बीमारी के तहत 60% लोगों की इससे मृत्यु भी हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों आपको इस बीमारी से बच के रहना है। ये बीमारी किस तरह से आप में प्रवेश करती है, किस तरह से आपको इससे बचा जा सकता है, किस तरह से पक्षियों में देखने को मिलती है, मैं इसी तरह की बातों को पूरी अच्छी तरह से आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं। दोस्तों वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि ये आपकी लाइफ का सवाल है। दोस्तों वीडियो को स्किप बीच में से बिल्कुल मत करना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को अच्छी तरह से समझते हैं। सबसे पहले तो जान लेते हैं दोस्तों ये किस तरह के पंछियों में आती है और कैसे आप इससे बच सकते हैं। दोस्तों ये एक वायरल इन्फेक्शन है जिसमें आपको एक पक्षी से दूसरे पक्षी में ये प्रवेश करती है, जिससे आप एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं। ये H5N1 नाम के जो H5N1 नाम का जो वायरस होता है एक पक्षी से दूसरे पक्षी में ट्रांजेक्शन होने के बाद में अगर इंसानों का अटैच उन पक्षियों से हो जाता है जो वायरल पक्षियाँ होते हैं तो उन पक्षियों का भी असर आपके अंदर में आ जाता है, जिनका असर बहुत ही ज़्यादा तीव्रता से आपकी बॉडी पे इफ़ेक्ट करता है। दोस्तों इंसानों में भी इसमें बहुत ज़्यादा उसी तरह से खतरनाक देखने को मिलती है। किन पक्षियों में दोस्तों इस तरह की बीमारी देखने को मिलती है? जो जंगली जो बतख होते हैं उनसे, जंगली बतखों से प्रभावित होकर आपके घरेलू जो पशुपालन में आपके पक्षियाँ होती हैं, गाय होती हैं, जो बाहर के जो जंगली जानवर होते हैं उनके अटैचमेंट में आ जाते हैं, जिससे उसी तरह का वायरस आपके घरेलू जो आपके पशु पक्षी हैं उनमें आ जाता है। मगर आपको किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। दोस्तों कभी भी आप अपने घर में जो आप पशु का पालन कर रहे हैं उसमें हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके बाहर के इस वक्त की मौजूदगी हालात देखते हुए बाहर के पशु पक्षियों किसी दूसरे के पक्षियों को आप अपने पशुओं को ना छूने दें। और अगर आप छू भी जाते हैं आपको नहीं ध्यान में रहता है तो आपको उस तरह से किस तरह से बचना चाहिए मैं आपको इस वीडियो के एंड तक बताने जा रहा हूं। दोस्तों इंसानों में किस तरह से फैलता है ये बर्ड फ्लू? सबसे पहले तो दोस्तों जान लेते हैं ये बर्ड फ्लू नाम की बीमारी इंसानों में किस तरह से इफ़ेक्ट करती है, किस तरह से आप इससे बच सकते हैं। जब भी कोई दोस्तों आप अपने पशु की साफ़ सफाई करते हो अगर आपके पशु संक्रमित हैं तो आपको भी जाहिर से बात है उसी तरह का वायरस आपके बॉडी के अंदर इफेक्ट करेगा, आपके अंदर को प्रवेश कर जाएगा। और आप अपने पशु पक्षी आप अटैचमेंट ज़्यादा रखते हो और उसके बाद बाहर के पशु पक्षी से आप कहीं भी आप जो पशु पक्षी की लड़ाई छुड़ाने वाले लोग होते हैं उनमें भी इन तरह का इन्फेक्शन देखने को बहुत ज़्यादा तीव्रता से मिल रहा है। लड़ाई छुड़ाने से दोस्तों आप इस तरह की अभी हालात में बहुत ज़्यादा दूर ही रहिए क्योंकि आपकी ये पूरी फैमिली का सवाल है। अब उसके बाद में दोस्तों मैं बताता हूँ आप इस तरह की बीमारी से कैसे बच सकते हो। दोस्तों अगर आपकी बॉडी में आपकी पशु की जो आप जो खान पान करा रहे हो उसमें आप किस तरह से आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे आपको विटामिन सी की जो कैप्सूल आती है वो आपको मिल जाएगी, उसके आप जो चारा गाय को खिलाते हो जो भी आप पशु को खिलाते हो तो उसके आप ज़रूर उसका एक ड्रॉप आता है उसे ज़रूर उसे पिलाइए। उसके बाद में दोस्तों आप अपने फैमिली की आपकी जिम्मेदारी खुद है कि आप अपनी फैमिली की खुद सुरक्षा रखें, आपकी सभी फैमिली को। दोस्तों इम्यूनिटी अगर आपकी बॉडी में तीव्रता है तो आपको कोरोना जैसी बीमारी भी आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकती अगर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी ठीक है तो। अब सबसे पहले तो जान लेते हैं दोस्तों आप इम्यूनिटी अपने शरीर की किस तरह से बढ़ाएंगे। सबसे पहले दोस्तों आप ग्रीन वेजिटेबल बहुत अच्छी तरह से खाना, साफ सुथरे कपड़े पहनने, किसी की अटैचमेंट में नहीं आना है। और सबसे बेस्ट फॉर्मूला दोस्तों अगर आप पतंजलि का डाबर च्यवनप्राश खाते हो ना, मैं किसी भी तरह की कंपनी का यहाँ प्रचार नहीं कर रहा हूँ, बस मेरे को जो सही लग रहा है जो मैं आपको बता रहा हूँ इस परिस्थिति में आप डाबर च्यवनप्राश खाइए, लौंग का सेवन कीजिए, उसके पश्चात दोस्तों आप अदरक
अदरक का भी आप सेवन करिए दोस्तों, आपको इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में आप दोस्तों इम्यूनिटी आपके शरीर की इतनी तेज होगी कि आपके कोरोना जैसा वायरस भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और उसके बाद में दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो ज़्यादा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हो तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तो थैंक यू दोस्तों।